दर्शन कर खाती भक्तन के जुटनवा भइले ना, ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब बिहनवा भइले ना। बड़ी मार मारब। अब तो उसे हमर ना जान ना पहचान और पहले ही मुलाकात में कौन इधर आओ कैसे हो तुम, तो फिर वहाँ पे मेरा गुस्सा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। नाम के आगे जी लगाओ, पवन क्या होता है, पवन जी लगाओ। गोली चले चाहे छारा, ये यारा कभी हारा नहीं है। हम गरीब बाबू टिफिन हो गया तुमके बड़ी मार मार। कहीं ना देखे तो फिर तार गोड़ तोड़ दे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। और आज बिहार तक पर हमारे स्पेशल गेस्ट वो हैं जो कि लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों की धड़कन है, जिनकी आवाज पर पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशी भी झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। उनका एक गाना जो आज हर किसी के जुबा पर है, भोजपुरी के बादशाह कहे जाने वाले पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह आज बिहार तक पर पहली बार हमारे साथ हैं। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। थैंक यू सो मच। और आपके चैनल जौन बा बिहार तक जे भी हमके देख रहा बा, सबसे पहले माई बहन चाचा भैया सबके सादर प्रणाम बा, थैंक यू जी। पवन जी, हमेशा कहा जाता है कि जो सेलिब्रिटी होते हैं वो मतलब हमेशा कैमरे पे रहते हैं, लेकिन फिल्मों में और गाने में तो आप दिखते हैं, लेकिन जब भी देखिए तो जब खंगाल के हम देखते हैं आपकी बाकी चीजें, तो पवन सिंह इंटरव्यू देखने से बहुत पीछे रहते हैं। शायद ही बहुत गिने चुने इंटरव्यू मैंने आपके देखे होंगे, और बिहार तक पे तो मुझे लगता है कि आप पहली बार इस तरीके से टाइम निकाल करके इंटरव्यू दे रहे हैं हमें। नहीं, हम चाहिए कि कामें करें और इंटरव्यू थोड़ा कम दें ताकि हमको कम बोलने का मौका मिले, ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि ना बोलते हुए भी थोड़ा बहुत बोलने के बाद वाद विवाद में ही पवन सिंह रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसे बच बचा के रहूँ। जी, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो कम बोलने वाले लोग होते हैं, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल कम बोलते हैं, विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का वो नाम है जो आए दिन विवादों में रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि जहाँ जहाँ आप वहाँ वहाँ विवाद, या तो आप विवाद के साथ चलते हैं या तो विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इतने विवादों में क्यों रहते हैं? अब का करब, हमारा नसीब बा, हमारे किस्मत में बा, हमारे भाग्य में बा कि मैं जितना ही दूर भागता हूँ पता नहीं क्यों विवाद जो है वो मेरे कंधे पे लदे ही रहता है। हाँ, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे प्रभु, चलिए ये भी किस्मत है जी। तो पहले तो क्योंकि आप बिहार तक पे पहली बार आए हैं तो सवाल जवाब हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पवन सिंह जो भोजपुरी के बादशाह कहे जाते हैं, सलमान खान भी कहे जाते हैं, पावर स्टार भी कहे जाते हैं, इस नाम से तो आप वाकिफ होंगे, आपको आदत भी हो गई होगी सब सुनते सुनते, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बादशाहत को हासिल करने में आपको कितना वक्त लगा, कैसे आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आए, और पवन सिंह जो इनकी छवि एक दबंग की तरह है, वास्तव में वो पवन सिंह कैसे हैं? और कम नहीं बोलना इस बार तो, क्योंकि इंटरव्यू में है तो पूरे अच्छे से जवाब देना। बुलवा लीजिए जितना बुलवाना है। बिल्कुल, आज हम यही सोच के भी आए कि आज पवन सिंह को बिल्कुल बोले बिना जाने नहीं देना है। आज बातचीत पे हम लोग बैठे हैं तो अच्छे से बात करेंगे। आपने जो मुझे सम्मान दिया, जो आपने सराहा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं कौन सा स्टार हूँ क्या नहीं, ये हमारे जो जनता मेरे लिए जो भगवान है वही सब बोलते हैं। और मैं कुछ नहीं हूँ, देखिए संघर्ष जीवन है, मेहनत करना है, और कोई भी कलाकार मेहनत करेगा उसका फल जो है वो ऊपर वाले देते हैं और हमारे ऑडियंस का आशीर्वाद मिलता है, ये सौभाग्य की बात है। बाकी जहाँ तक ये जो आपने बोला फलाना जी भोजपुरी का ये वो जो भी है, मैं सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह हूँ, मेरा नाम पवन सिंह है और ऑडियंस ने ही पवन सिंह को पवन सिंह बनाया है। जी, तो भैया बिहार तक पे आज पवन सिंह हमारे साथ है, तो समझ लीजिए कि भौकाल एकदम टाइट है, माहौल एकदम सेट है, तो जिस दबंगई के लिए आप जाने जाते हैं, एकदम दबंग अंदाज, दबंग वो पर्सनालिटी आपकी, लेकिन इस बार एंट्री काफी मुझे लगता है कि फीकी रहेगी। जो दर्शक आपको देख रहे होंगे बिहार तक पर वो भी देख रहे होंगे कि भाई शेर आज इतना शांत क्यों, मतलब एंट्री बिल्कुल फीकी है, तो कुछ अपने अंदाज में थोड़ा कुछ बोलिए, गुनगुनाइए।
ये महाराज आप आरा से है, और आरा के जो लड़के होते हैं, जो लड़का होता है आरा का, मतलब लड़के या लड़कियां खास करके, कहा जाता है कि वो शांत तो बिल्कुल भी नहीं होते, और इस बात को आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। मैं शांत नहीं हूँ, आप तब से आप मेरे बारे में बोले जा रही है दबंग दबंग दबंग। नहीं यार, मैं दबंग नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं गाना गाता हूँ, एक्टिंग करता हूँ अपने ऑडियंस के आशीर्वाद से, आप सभी के दुआ से। कलाकारी करना है, काम करना है, और ये दबंग वाला बाप रे बाप, ये सब मुझे कुछ नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले किसी ने आपको सलाह दिया था कि कलाकार हैं, कलाकारी कीजिए, दबंगाई मत कीजिए, कहीं वो उसका असर तो नहीं है किस तरीके से आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अब हमके देखिए, मैं सबका सम्मान करता हूँ जी, वो छोटा हो बड़ा हो, मेरे लिए सब सम्मानित है, मैं सबको दिल से सम्मान करता हूँ। बाकी ये जे केहू कोई बोल दिया कि ये है वो है दिस है दैट है, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी का सुन के मैं ऐसे बोल रहा हूँ जी, ये मेरे नेचर में है, जो मन में आए मिजाज है, हाँ ये अच्छा काम करना है तो अच्छा काम करना है। बाकी किसी का सलाह नहीं, सलाह तो माना ही जाता है, लेकिन अनावश्यक जी सलाह देता है कि ये नहीं ये, तो बस ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, इंसान के लिए सारा काफ़ी होता है। मैं किसी के सलाह से कुछ नहीं करता जी, मन में जो आता है कि हाँ मुझे ये करना है, मैं वही करता हूँ और वही करूँगा। बिल्कुल, तो मन से याद आया कि अभी फिलहाल हम लखनऊ में हैं, और लखनऊ का जो मौसम है आपको बता दें कि काफी सुहाना हो गया है, पीछे बारिश भी हो रही है। फिलहाल अगर हम पवन सिंह के मन के बारे में जानना चाहें तो क्या मन कर रहा है आपका, क्या गुनगुनाने का मन नहीं कर रहा, इतनी अच्छी आवाज है आपकी, और अगर भोजपुरी में इस मौसम में अगर आप कुछ बढ़िया सा गाना अगर सुना दे तो क्या ही कहना। आज दो दिन पहले एक तो हमारा चैनल ओपन भइल बा जी, माँ अम्मा फिल्म्स भक्ति, इसी चैनल पे मेरा एक भजन आया है सावन का, जो हमारे ऑडियंस बहुत उसको पसंद कर रहे हैं, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ जी, एल्बम के गाना के टाइटल ए भोले बाबा। तो आज बड़ा शुभ दिन है, मंगलवार है, बारिश का मौसम है, आप हैं, हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बहुत प्यार मिल रहा है, और ये थोड़ा सा सावन भी आ गया है, तो बड़ा दिल से ये भजन मेरा भाई, एक छोटा भाई है जिसका नाम है विजय चौहान, और विक्की बॉक्स इस भजन में म्यूजिक दिए हैं जी, और हम गुनगुनाए हैं अपने ऑडियंस के आशीर्वाद से। कुह कुह बोले ले कोयलिया सगरो सोर होता, उगल सूरज देव लाली लेके जग में अजोर होता, दर्शन कर खाती भक्तन के जुटनवा भई लेना, ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब बिहनवा भई लेना। क्या बात है, बहुत प्यारी आवाज है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि आप गायकी भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं आप, तो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कैसे आए, क्या बचपन से ही जब आप पढ़ाई कर रहे थे स्कूल जाते होंगे तो क्या उस टाइम से ही आपका एक्टिंग का मन था, या आपने ये सिंगिंग कहीं से सीखा, या फिर घर में कोई गाते थे, कहीं ना कहीं से तो वो जेनेटिक आया होगा। ये देखिए क्या है, इंसान का भाग्य जो है कब कहाँ पहुँचा दे इसका कोई ये नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर में हमारे चाचा जी, बचपन में सोच कभी नहीं था कि हम सिंगर बनेंगे या एक्टर बन पाएंगे जी, लेकिन हमारे घर में हमसे पहले हमारे चाचा जी गाते थे, जिनका शुभ नाम हुआ श्री अजीत सिंह जी, मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं का आशीर्वाद हूँ, हमारे रियल गुरु हमारे चाचा जी ही हैं। तो पहले से वो गाते थे, और होता है ना कि हाँ चाचा गा रहे हैं, या हमारे रिलेटिव एक जिस सुपरस्टार सिंगर जिसका नाम है मुन्ना सिंह जी, मैं उनका गाया हुआ गाना बहुत गुनगुनाता था। तो हमारे चाचा कहीं गए थे शो में, मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ है, तो चाचा कहीं शो में गए थे, और लौट के जब आए मेरे पास तो अगल बगल के लोग उनसे बोला कि अजीत भाई तुहार भतीजवा बड़ा अच्छा गाँव था, और वहाँ के लोग जो हैं उसी दरमियान एक मंदिर में छोटा सा कार्यक्रम रख दिए, मुझे गाना पढ़ने नहीं आता था, वैसे हम पढ़ा लिखना ही अनपढ़ आदमी हूँ लेकिन फिर भी जो मेरे कान में गूंजता था, जो मुझे याद था, वो मैं गाना मंदिर में माइक पे गुनगुनाया, तो मेरे चाचा बता रहे थे कि बेटा मुझे उस दिन लगा कि हाँ मेरा बेटा गाएगा।
तो चाचा ने मुझे जो शिक्षा देना था वो शिक्षा दिया, और देखिए जहाँ तक सीखने की बात है तो कुछ नहीं आता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को, आजीवन आदमी सीखेगा। और आदमी मेहनत किया तो हमारे ऑडियंस जो है वो प्यार दिए, एक एस्टेब्लिश्ड सिंगर बना दिए, सिंगर बनने के बाद हमको एक्टर बना दिए, सब नसीब का खेला है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप दबंग तो है नहीं, बिल्कुल ये नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जब भी आप लाइव आते हैं, दो तीन क्लिप्स आपके काफी ज्यादा वायरल हैं, जैसे कि आपके डायलॉग मैं अभी बोलना चाहूंगी, मतलब जैसे कि आप कैमरे पे आके कहते हैं कि बड़ी मार मार अब उसके बाद आपका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जिसपे काफी मीम्स भी बनते हैं कि ज्यादा ऐसे उसे ना करनी, दिस है, दैट है, ए है, वो है, ऐसे नहीं। तो मैं एक बार चाहूंगी कि पहले मतलब ये मतलब जो पवन सिंह जो स्क्रीन पे या फिर ऐसे जो एक छवि है कि दबंग है, वास्तव में पवन सिंह कैसे है? मेरा ये देखिए, मेरा ये नेचर है जी, इसको कोई बदल नहीं सकता है। जैसे आदमी एक दूसरे से घुल मिल जाए तो पवन बोलो, पवन जी बोलो, पवनमा बोलो, अरे भाई है ने आओ, तो ये देखिए ये एक दुलार है, ये प्यार है। अब तो उसे अमर ना जान ना पहचान, और पहले ही मुलाकात में पवन इधर आओ कैसे हो तुम, तो फिर वहाँ पे मेरा गुस्सा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसी पे निकलता है। जो भी है जैसे है, जब पहली मुलाकात हुई है तो आप कुछ भी हैं, बट नाम के आगे जी लगाइए। बिल्कुल, एक शो में भी हमने सुना था कि पवन सिंह जब स्टेज शो कर रहे थे तो मतलब काफी दर्शक उन्होंने देखा होगा, फिर भी मैं आपको जरा याद दिला दूं, पवन जी जब स्टेज पे स्टेज शो कर रहे थे तो वहां कहते हैं कि ये नाम के आगे जी लगाओ, पवन क्या होता है, पवन जी लगाओ। तो पवन जी को अगर पवन जी ना कहे या पवन सिंह हटाए तो लगता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्या पवन जी? नहीं, अब देखिए ये बात सिर्फ मेरे पे ही लागू नहीं होता है, कोई भी आर्टिस्ट आता है, वो बच्चा हो, जवान हो, बाबू हो, कोई भी हो, लेकिन हम लोगों के ही मुंह से निकलता है बाबू आप बैठिए, कैसे हैं आप, क्या करना चाहते हैं। अब पहले ही मुलाकात में मैं तुम लगा दूं, कैसे हो रहे तुम, इधर आओ बैठो, क्या करते हो। तो कलाकार क्या है ना, कलाकार को तो पैसा कम दीजिए बट उसको सम्मान इतना दीजिए ताकि उसका मनोबल गदगद रहे, ताकि वो काम अच्छे से करे, यही मेरा ये है और कोई ये नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा आपके पीछे पास्ट लाइफ में जाना चाहूंगी, जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे तो पवन सिंह, अभी तो पवन सिंह है बिल्कुल एकदम सलमान खान जो कहते हैं, पावर स्टार जो भी कहते हैं, बादशाह कहते हैं, और अभी जिस तरीके आपको स्टेज पे मैंने कहा कि गुस्सा भी आपका जो है वो एकदम नाक पे होता है कि ऐसे नहीं, ऐसे एकदम सीधे, तो पवन सिंह मैं जानना चाहूंगी कि बचपन में कैसे थे, स्कूल में कैसे थे, क्या कभी आपको मार पड़ी है? बचपन अभी हम कैसे बने तो बात अलग हुआ, अभी मैं क्या हूँ क्या नहीं ये बात अलग है, बट मुझे इतना जरूर याद है कि बचपन में मैं बात बात में मार खाया हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, केहू आवे तो अपन गुस्सा हमरे पर निकाल दे। ऐसी बात नहीं है कि मैं मार नहीं खाया हूँ, मार हम कुछ ज्यादा ही खाए हैं मार। जैसे कि हम लोग की मम्मी क्या होती है ना, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, आरा से ही हूँ, तो ये सब जो मम्मियाँ होती है ना खास करके हमारे क्षेत्र की, तो वो ना मारने से पहले सोचती नहीं है, बेलन से, करछी से, चप्पल से, मतलब जो मिला ना पहले सीधा चला देती हैं, या फिर कुछ नहीं मिला तो फिर तबड़ाक तबड़ाक तबड़ाक। पढ़ाई की नहीं पढ़ाई कभी, जैसा कि आपने बोला ना, देखिए क्या है, माँ अगर मारती भी है तो वो जी वो हम सब बच्चों के लिए आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मार मार नहीं है, क्योंकि वो मार मिला है तो ही आदमी आज इस लायक बना है। तो हमके आज भी वो दिन याद बस, शायद लड़काई में मम्मी हम अम्मा हमार हम माइयो कहिला अम्मा कहिला, क्योंकि हमारा हमारा ननिहाल गोरखपुरा, तो हमारे ननिहाल में सब लोग अम्मे बोलेला, तो हम लोग भी बचपन से अम्मा ही बोलते आए हैं, अम्मा ही बोलते हैं, लेकिन हम माई अम्मा दोनों बोलेला। हमके आज भी वो दिन याद बा कि बचपन में हमार माई ठेकुआ की पूरी पता नहीं कहाँ छानत रहे, और वही टाइम हम शायद पूजा वूजा करे के रहे, पहले पूजा हो जाए घर में तब तब कोई खाई, हम जिद धरे कि ना हम वही खाई हमरा के दे। तो वो पूरा तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि माई हमार तू जो ना चनौटा से छानल जाला ना ठेकुआ पूरी, वही चनौटा से हमके मर लो, शायद इधर कहीं दाग भी होगा, वो शायद अभी दिख नहीं रहा है। तो पिटाए हैं आप? अरे बहुत मार के लिए मरे। अच्छा, आपने अभी कहा कि मैं पढ़ा लिखाने में, स्कूल कहाँ तक गए ये बताइए? स्कूल गए बनी हम छुआ तक,
बस छठा क्लास तक। वो हमके याद नहीं है कि अपने स्कूल में हम कौनो क्लास में पहला दूसरा तीसरा तो याद ही नहीं है, लेकिन चौथा पांचवा छठवा जो क्लास हम कहले बनी, लेकिन 10 दिन लगातार हम किन के कभी स्कूल नहीं गए, क्योंकि 2 दिन क्लास कहीं नहीं। चाचा हमार गुरु, बेटा आज यहाँ सोबा, बेटा यहाँ सोबा। और जौन स्कूल में हम पढ़ी तो स्कूल के तरफ से हमारे लिए फ्री भी था कि हाँ इस बच्चे के लिए फ्री है ये फैसिलिटीज। क्यों? क्योंकि आप गाना गाते थे इसलिए? क्योंकि हर स्कूल में साल में एक फंक्शन होता है, होता है ना कि हाँ यहाँ पे ये फंक्शन हुआ तो आरा के जितना स्कूल बस सब स्कूल के बच्चे आए वालों गाना के कंपटीशन, तो उसमें सिल्ड हम ही जीतत रही, तो होता है ना कि हाँ लड़का मेरे स्कूल में पढ़ता है, तो मेरे लिए इतना फ्री था जी। तो मतलब आपका मतलब मन नहीं हुआ कि मतलब पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर कोई मतलब रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में कि नहीं पढ़ना ही नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब आप स्कूल जाते थे किसी बच्चे ने आपको गुस्सा दिलाया हो और आपने पकड़ के बहुत मार मारा हो उसको, या कभी ऐसा कोई इंसिडेंट जब आप थोड़े बड़े हो गए, नौजवान हो गए? हमके एक चीज याद बा कि जो भी टास्क मिलता था कि हाँ जी ये याद करके आना है जी, तो मैं दिल दिमाग पहले से अपना निश्चित रखता था, क्लीन रखता था कि भैया हमको ये सब आता वाता नहीं है, मुझे मार खाना है नेक्स्ट डे। क्या बात है, ठीक ना? तू सॉरी आपने क्या बोला, मैं थोड़ा दिमाग से उतर गया। किसी मतलब बच्चे को लेकर के कि किसी को पकड़ के खूब मारो? एक समय हमको याद है गांव में एक बार हम परीक्षा देते रहली अपने गांव में, तो हमके का पता कि भाई क्वेश्चन बा तो एकर उत्तर का हो, तो हम बगल वाला हमारे को संगतिया रे हम कनी अरे तनी दिखाओ आंसर का बात ना दिखाई हम कनी बाबू टिफिन हो गए तो हमके बड़ी मार मार तो ऐसा घटना घट चुका है मेरे साथ। एगो खीसा कहल बना जौने रुकिया के भावे तौने पैदा फरमावे, तो हमको भी पढ़ाई में मन लगता था वहाँ नहीं, ठीक ना? हमके भी अच्छा लगे कि हाँ चला आज सुबह चाचा के साथ यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, यही बात है। तो टिफिन के बाद क्या हुआ? टिफिन के बाद उनके बना के मरनी भर पेट, एक बार कहीं ना देखेगा तो फिर तार गोड़ तोड़ दे तो उसके बाद उसने दिखाया, मैं भी अपना पन्ना भर दिया, जय श्री राम। तो अगर वो आपका इंटरव्यू आज देख रहे होंगे और जिसके साथ ये घटना घटी होगी, पता नहीं आज आपके दोस्त वो है या नहीं, लेकिन तो आज देखा तो हंसतो हुई खिसियातो हुई कि देखा लड़का के बात हमके हमारी याद दिलावता। एक और हमारे संगतिया रहे जी, वो हमसे तगड़ा रहे, तो जब झगड़ा हो गया तो वो हमके मार देवे हम जब सफर के जाएंगे अरे काहे हमके ऐसी कैली सा काहे ही भइला, भाई शरीर में तगड़ा है बचपना बुद्धि, तो हमसे तगड़ा था तो हमको मार देता था। हाँ आज के समय में अगर हम कभी गांव जाते हैं, अगर वो दिख जाता है सहम जाता है, मैं बोलता हूँ उसको देख अरे यार चलो ना, जो बीत गया सो बीत गया, वो बचपना था, अब मैं तगड़ा हो गया हूँ। नहीं नहीं तगड़ा क्या हुआ हूँ, तो आप मार खा के आ जाते थे उनसे? हाँ तो क्या करें, घर पे बोल भी नहीं सकते थे कि हमको कोई मारा। अच्छा आज के समय में मिलता है तो हम गले लगते हैं कि नहीं भाई वो समय कुछ और था, आज ये समय कुछ और है, बट हम लोग भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। ऊपर नाम बताओ जरूरी बा? अरे बिल्कुल बता दीजिए। शायद भैया कौन इंटरव्यू तुले यारा जिला के हमें तो हिजा बने, छपरा जिला के हमें तो हिजा बने, सिवान के बने तो हिजा बने, गोरखपुर के बने तो हिजा बने। गोली चले चाहे छारा ये यारा कभी हारा नहीं है। बाकी ट्रैक्टर और टेम्पू में बाजे वाला गाना वहीले बजले एक महीना में गाये पहले, फिर पतो नहीं कि वो कब बजा कब गया। नजरिया चुरावल बहुत बात होला।